तो अरे दोस्तों, कैसे आप लोग? स्वागत है आप सभी का हमारे और एक नए वीडियो में। तो दोस्तों, आज का हमारा टॉपिक है कि हम लॉस कैसे रिकवर करें, हम अपने लॉस को कैसे रिकवर करें और कौन सी स्ट्रेटेजी अपनाएं, इसके लिए हम कैसे तैयार करें। आज का हमारा ये टॉपिक यही होने लगा, क्योंकि काफ़ी सारे मुझे मैसेज आ चुके हैं, काफ़ी सारे मुझे कमेंट आ चुके हैं कि हमें लॉस रिकवरी कोई स्ट्रेटेजी बताओ, लॉस हम कैसे रिकवर करें, इसका कोई प्लान बताओ। तो दोस्तों, लॉस रिकवर करने का प्लान तो कोई नहीं है, मतलब स्ट्रैटेजी भी कोई नहीं है लॉस रिकवर करने। ये पूरा आपके माइंडसेट के ऊपर डिपेंड है। लॉस रिकवर कैसे किया जाए, इसका सिर्फ मैं एक प्रोसेस आपको बताऊंगा, जो मैंने प्रोसेस फॉलो किया, जो मैं प्रोसेस अभी काफ़ी दिनों से फॉलो करता आ रहा हूँ, जिससे मुझे काफ़ी अपना लॉस रिकवर करने में मुझे मदद हुई। तो दोस्तों, लॉस रिकवर करने के लिए मैं आपको पहले आपको एक चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है वो बताता हूँ। लॉस रिकवर करने के लिए आपको होना चाहिए आपका माइंडसेट पर अपना कंट्रोल, मतलब आपका जो माइंडसेट है वो आपको ऐसा बनाना पड़ेगा, आप अपने माइंड से इतना स्ट्रिक्ट आपको बनाना पड़ेगा कि पूछो मत। आप अपना जो भी ओवर ट्रेडिंग करते हो, रेज ट्रेडिंग करते हो, वो पूरा आपको बंद कर देनी पड़ेगी। आपको सिर्फ आपके माइंड सेट के ऊपर कंट्रोल होना चाहिए, मतलब आपको आपका दिमाग ऐसे चलना चाहिए कि मतलब रिमोट जैसे बटन दबाए बाद टीवी का चैनल चेंज होता है ना, वैसे आपका अगर माइंड हो, आपके माइंड ने आपको एक बार मतलब सिग्नल दिया कि मुझे अभी यहाँ से ट्रेडिंग नहीं कर रही, अभी यहाँ पर मेरा जो लॉस है वो दिन का पूरा हो चुका है, आपको ताबड़तोब वहां से अभी निकलना है, आपको ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, ज्यादा लैपटॉप के मोबाइल के ऊपर ध्यान नहीं देना। जब जितनी देर आप लैपटॉप को देखते जाओगे, जितनी देर बाद आप मोबाइल को देखते जाओगे, आपका मन उकसाएगा आपको ट्रेडिंग करने के लिए। इसलिए मैं आपको कहता हूँ आपका पहले माइंड सेट आपको कंट्रोल करना पड़ेगा। और दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट, लॉस रिकवर कैसे करें। तो दोस्तों, लॉस रिकवर करने के लिए आपको थोड़ा टाइम देना पड़ेगा। जितनी जल्दी आपने लॉस किया है, जितनी जल्दी आपने लॉस किया है, उतना टाइम उतनी जल्दी आपका लॉस रिकवर नहीं होगा, उसका डबल या 2 गुना या 3 गुना या 4 गुना टाइम भी यहाँ पर लग सकता है। समझो आपने 1 लाख रुपए का लॉस किया है, 1 लाख रुपए का लॉस आपने समझो 1 महीने में किया है, तो इसे रिकवर करने के लिए आपको एक महीना नहीं, 1 लाख को रिकवर करने आपको 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने, उससे ज़्यादा ही टाइम लग सकता है। इसलिए आपको पूरे पेशेंस से काम लेना होगा, पूरे अपने माइंड को कंट्रोल करके काम करना होगा, हड़बड़ी में आपको काम करना नहीं है। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो। तो दोस्तों, पहले तो आपको ये भूलना पड़ेगा कि आपको कुछ लॉस हुआ है, इग्नोर करना पड़ेगा आपको लॉस को, इग्नोर करना पड़ेगा, इग्नोर द लॉस। जब तक आप इस लॉस को इग्नोर नहीं करोगे, तब तक आप कभी भी अपने लॉस को रिकवर कर नहीं पाओगे। क्योंकि कैसा होता है, जब आप इस माइंडसेट से बैठते हो कि मुझे अपना लॉस रिकवर करना है, लॉस रिकवर करना है, तब आप अपना पूरा जो माइंडसेट है वो आपके ऊपर कंट्रोल नहीं होता, आपका माइंडसेट कंट्रोल नहीं होता, आपका माइंडसेट प्रोसेस की तरफ ध्यान नहीं देता, आपका माइंडसेट देता है लॉस रिकवर करने की तरफ ध्यान। इसलिए आपको प्रोसेस पे ध्यान देना है, आपको पूरी तरह से आपको ये भूलना पड़ेगा कि मुझे कोई लॉस हुआ है। आपको जब तक आप इस लॉस को भूल नहीं पाओगे, तब तक आप कभी लॉस को रिकवर कर नहीं पाओगे, ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है। और दूसरा, जब कभी भी मैं आपको बताता हूँ, जब कभी भी कोई स्टॉक 50% गिरता है, जब कभी भी कोई स्टॉक 50% गिरता है, तो उसको अपने उस लेवल तक जाने के लिए 100% गेन चाहिए होता है। मतलब लॉस तो हुआ है 50%, लेकिन उस लेवल तक जाने के लिए आपको 100% आपको गेन चाहिए। मतलब लॉस का भी वैसा ही, आपका लॉस हुआ है, जितना लॉस है उसका डबल आपको प्रॉफिट लेना पड़ेगा, तभी आपको लॉस रिकवर करने का कुछ प्रोसेस पे ऊपर ध्यान दे सकोगे। क्योंकि आप जितनी जल्दी लॉस को रिकवर करने की सोचेंगे, उतना ही आपको टाइम लगेगा, उतना ही ज्यादा आपको टाइम लगेगा, उतना और लॉस में जाते जाओगे। इसलिए आपको अपने लॉस को डिवाइड करना है। समझो किसी का लॉस 1 लाख है, मैं अभी किसी का लॉस 1 लाख हो सकता है, 2 लाख होता है, 10 लाख, 50 लाख, कितना भी हो सकता है, आपको उस लॉस को कुछ पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। समझो मैं अभी एक उदाहरण देता हूँ, 1 लाख किसी का अगर लॉस है, 1 लाख अगर किसी का लॉस है, तो आपको उसको डिवाइड करना पड़ेगा, मतलब 5% के हिस्से में आपको डिवाइड करना पड़ेगा। 1 लाख का 5% कितना होता है, 1 लाख का 5% होता है 5,000। मतलब आपको पहले सोचना पड़ेगा कि मुझे 5,000 रिकवर करना है, आपको सोचना पड़ेगा कि मुझे पहले इस 5,000 को रिकवर करना है, ना कि ये कि मुझे डायरेक्ट 1 लाख को रिकवर करना है। आप छोटे छोटे पार्ट में जब तक अपने लॉस को रिकवर करने की नहीं सोचेंगे, तब तक ज्यादा आपको प्रॉफिट नहीं होगा, मतलब आप ज्यादा हड़बड़ी में रहोगे। आपको अपने लॉस को मैं तो 5% कहता हूँ, आप कर सकते हैं 2%, 3%, 5%, कोई लोग 10% नहीं कर सकते, लेकिन 10% करने के लिए आपका कैपिटल भी उतना ही बड़ा चाहिए। समझो 5,000, अभी डायरेक्ट आप एक सोचिए आपका माइंडसेट कैसे खेलता है। देखिए आप अगर सोचिए आपका 1 लाख रुपए लॉस कवर करना है,
तो आप कैसे, अरे बाप रे मेरा तो लॉस 1 लाख रुपए है। आप सोचे कि मुझे सिर्फ 5 हजार कवर करने हैं। आप सोचे 5 हजार मतलब, 5 हजार मतलब छोटे अमाउंट है, आप इसे रिकवर कर सकते हैं। एक कोई भी स्ट्रेटेजी अपना कर आपको, आप इसे 5 हजार को रिकवर करने में कितना टाइम लगेंगे? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, मैं कहता हूँ हफ्ता। चलिए 1 हफ्ते में भी आप अगर, 1 हफ्ते में, 1 वीक में आप अगर 5 हजार खेलोगे मतलब 5 हजार प्रॉफिट करोगे, तो आपको 1 लाख लॉस रिकवर करने में कितना टाइम लगेगा? मतलब लगभग 20 हफ्ते लगेंगे। 10 हफ्ते में 50 हजार इंटू 10 हफ्ते में 50 हजार होते हैं, तो 1 लाख को लगभग 20 हफ्ते आपको लगेंगे 1 लाख करो उसके। मतलब सोचिए, अपने आप को ज्यादा प्रेशर नहीं देना है माइंड को, जितना हो सके अपने लॉस को सिंपल करने की सोचिए। ज्यादा आपको कुछ दिमाग में टेंशन लेने की जरूरत नहीं। आप जित मतलब आप जब तक अपने लॉस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड नहीं करोगे, तब तक आपको खुद के ऊपर कॉन्फिडेंस नहीं आएगा। आप डायरेक्ट अगर 1 लाख एक दिन में रिकवर करने की सोचेंगे, तो आपको ज्यादा प्रॉब्लम होगी। आप लॉस को थोड़े थोड़े पार्ट में डिवाइड कर लीजिए, थोड़े थोड़े पार्ट में आप लॉस को रिकवर करने की सोचिए। मतलब 5 हजार तो रिकवर करना कोई बड़ी बात नहीं है, 5 हजार 1 हफ्ते में भी आप रिकवर कर सकोगे, तो भी 20 हफ्ते में आपका लॉस पूरा रिकवर हो जाएगा। 20 मतलब लगभग 4 हफ्ते, 5 महीने में आपका 1 लाख का लॉस रिकवर हो जाएगा। इतना सिंपल स्ट्रेटेजी, आपको अपने लॉस को डिवाइड कर लीजिए। आपको मैंने तो सिर्फ कहने के लिए आपको बताया 5%, आप 2% रखिए, जितना कम हो सके उतने आपको रखना है इसमें। तो ये बात हुई। और दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट बात है स्ट्रेटेजी। आपकी जो स्ट्रेटेजी है, आप कौन सी स्ट्रेटेजी में काम करते हो, आप कौन सी स्ट्रेटेजी में ज्यादा आप यूजफुल हो, मतलब कौन सी स्ट्रेटेजी में आपको ज्यादा प्रॉफिट मिलेगा, कौन सी स्ट्रेटेजी में ज्यादा आपको भरोसा है, वो आपको पहले पता होना चाहिए। मतलब कोई भी स्ट्रेटेजी मतलब कोई डबल टॉप पे काम कर सकता है, कोई डबल बॉटम में काम कर सकता है, कोई चार्ट पैटर्न में काम कर सकता है। स्ट्रेटेजी किसी की कोई भी सेम नहीं होती, हर एक की अलग अलग स्ट्रेटेजी होती है। आप पहले अपनी स्ट्रेटेजी को बैक टेस्ट करना सीखिए। मैं ये नहीं कहता कि आपके पास एक स्ट्रेटेजी होनी चाहिए, आप दो भी तीन तीन या चार, ज्यादा से ज्यादा 4 स्ट्रेटेजी में आप काम करोगे। 4 से ऊपर आप अगर गए, तो आप कंफ्यूज हो जाओगे कि मैं किस स्ट्रेटेजी के ऊपर काम करूँ। ये 4 कौन से भी स्ट्रेटेजी हो सकती है, आपके ऊपर डिपेंड है वो। मैं नहीं बता सकता हूँ कौन सी स्ट्रेटेजी आप यूज करोगे। आप उस 4 स्ट्रेटेजी को आप पहले बैक टेस्ट करके देखिए। पहले आपको बैक टेस्ट करना पड़ेगा उस स्ट्रेटेजी को। बैक टेस्ट किए करने के बाद आपको पता चलेगा कि कौन सी स्ट्रेटेजी कितना ज्यादा वर्क करती है। आप कोई स्ट्रेटेजी 100% वर्क नहीं करती, ज्यादा से ज्यादा 60 to 70% ये स्ट्रेटेजी वर्क करती है। मतलब 70% स्ट्रेटेजी आपको फायदा देगी और 30% स्ट्रेटेजी नुकसान देगी। लेकिन कब नुकसान देगी, किस टाइम नुकसान देगी, ये किसी को नहीं पता। इसलिए मैं आपको कहता हूँ, स्ट्रेटेजी जितने आपको बैक टेस्ट किए हो उतना अच्छा है। क्योंकि आप अगर रोज स्ट्रेटेजी रोज अगर आपका स्ट्रेटेजी का पैटर्न बदलता जाएगा, तो आपको कभी नहीं प्रॉफिट होगा। आप कम से कम जितना कम स्ट्रेटेजी हो सके उतना ही कम स्ट्रेटेजी में आप काम करिए कीजिए। मतलब आप समझो किसी दिन ये चारों में से समझो आपने, मतलब मैं आपको एक उदाहरण के लिए बताता हूँ, उदाहरण के लिए आपको बताता हूँ। डबल टॉप, डबल बॉटम, फ्लैग एंड पोल और असेंडिंग ट्रायंगल, समझो ये आपने की 4 स्ट्रेटेजी है। किसी भी एक दिन अगर ये 4 स्ट्रेटेजी में से एक भी स्ट्रेटेजी नहीं बनी, तो आपको उस दिन ट्रेड नहीं करना है। नो ट्रेडिंग। अगर समझो किसी भी एक दिन इसमें से कोई भी एक स्ट्रेटेजी बनती है, समझो अगर कोई डबल टॉप बन रहा है उसमें आपको एंट्री लेनी है, लेकिन जब आपका स्टॉप लॉस हिट हो जाए, आपको तुरंत बाहर निकलना है। स्टॉप लॉस लगाना सबसे इंपॉर्टेंट बात है। आप बिना स्टॉप लॉस लगाए मार्केट में काम नहीं करते। तो समझो आपको डबल टॉप में काम करना है, आपको डबल टॉप की स्ट्रेटेजी में आपको एंट्री मिल गई, तो आपको एंट्री मिलते ही आपको एंट्री करनी है। और आपका छोटा सा एसएल होगा, जितना भी आपका एसएल होगा उस हिसाब से आपका काम भी होगा। तो समझो ये स्ट्रेटेजी में आपने एंट्री की और ये भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो ज्यादा से ज्यादा आपको दूसरे और एक ट्रेड लेना है। और समझो इस स्ट्रेटेजी ये ट्रेड भी आपका स्टॉप लॉस हिट कर गया, तो आपको दिन बंद करना है। ज्यादा से ज्यादा 2 एसएल दिन के, इससे ज्यादा आपको ट्रेडिंग नहीं करनी। क्योंकि जितने बार आप ट्रेडिंग करते जाओगे उतना आपको घुसते जाओगे ट्रेडिंग में, और रिवर्स ट्रेडिंग करोगे, रिवर्स ट्रेडिंग करने के बाद आपका माइंडसेट और कंट्रोल में, आपके कंट्रोल के बाहर जाएगा, आपको प्रॉब्लम होगा। कोई नहीं, एक दूसरा दिन आएगा, उस दिन आप ट्रेडिंग कर लेना। ऐसा तो नहीं कि आपको रोज ट्रेडिंग करना है, कुछ दिन ब्रेक भी ले सकते हैं। तो ट्रेडिंग को जितना सिंपल हो सके आपको ट्रेडिंग को सिंपल रखना है।
तो हो गया अपने ये वक्त, तो हम थोड़ा रिवर्स करते हैं कि अपने लॉस को पहला मैंने आपको क्या बताया, तो पहले मैंने आपको बताया कि लॉस को पार्ट में डिवाइड कीजिए, लॉस को पार्ट में डिवाइड कीजिए। तीसरा, दूसरा सॉरी, स्ट्रैटेजी कौन सी भी एक या दो या चार, ज्यादा से ज्यादा चार स्ट्रैटेजी, इससे ज्यादा आपको स्ट्रैटेजी में काम नहीं करना, चार कौन से भी स्ट्रैटेजी आप यूज करना, ये स्ट्रैटेजी आपकी बैक टेस्ट की हुई हो, आपको स्ट्रैटेजी को भरोसा होना चाहिए, आपको स्ट्रैटेजी पर पूरा कंट्रोल होना चाहिए, ऐसे आपकी स्ट्रैटेजी होना चाहिए। ये दोनों पहले मैंने आपको रिविजन के लिए बताया कि ये दोनों पॉइंट हमारे हुए, एक तो पहले अपने लॉस को पार्ट में डिवाइड कीजिएगा और दूसरा अपनी स्ट्रैटेजी को ज्यादा से ज्यादा बैक टेस्ट कीजिएगा, उसके ऊपर कंट्रोल लाइएगा। और तीसरा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो। रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में आपको हमेशा काम करना है। आपको मैं ये नहीं कहता कि आपका स्टॉप लॉस बड़ा होना चाहिए, प्रॉफिट छोटा छोटा होना चाहिए, मैं आपको कहता हूँ कि आपका जो प्रॉफिट है, मैं कहता हूँ कि कम से कम आपका जो रिस्क रिवॉर्ड रेशियो है वो 1:2 होना चाहिए। 1:2 मतलब समझो आपका 50 पॉइंट का एसएल है तो आपको 100 पॉइंट का टारगेट लेना ही है। आप अगर 98 में भी आ गए तो भी आपको मतलब बुक नहीं करना प्रॉफिट, जब तक आपका टारगेट हिट ना हो तब तक आपको ट्रेड में बने रहना है, और जब एक बार आपका टारगेट हिट हो जाए तब मार्केट से निकल लेना है, ज्यादा ट्रेडिंग नहीं करनी, और प्रॉफिट के लालच में आप ट्रेडिंग करते जाओगे तो आने वाला प्रॉफिट भी जाएगा। समझ में आएगी बात? समझो आपका अगर एसएल एसएल हिट हो जाए तो ज्यादा से ज्यादा एक दूसरा ट्रेड लीजिए और मार्केट को बंद कर दीजिए। और जब मैं और एक चीज मैं आपको बताऊं, जब कभी भी आपको 50% आपका टारगेट मिल जाए, जब कभी भी आपको आपका 50% टारगेट मिल जाए तो आपने स्टॉप लॉस को ट्रिम करना लगभग 50 का 25 पॉइंट्स, मतलब आधा कर देना आपने लॉस को, क्योंकि आपका टारगेट भी आधा टारगेट भी आधा हो चुका है, तो आपने लॉस को भी मतलब लॉस को भी आधा कर देना स्टॉप लॉस को भी। इससे होगा ये, जब कभी मार्केट पलटेगा तो आपका नुकसान ज्यादा नहीं होगा, आपका लॉस लिमिटेड रहेगा, मतलब जितना आपने तय किया है उससे कम ही आपका लॉस होगा, और आप दूसरा और एक ट्रेड ले सकते हो, दूसरा ट्रेड भी यहाँ पर ले सकते हो। मतलब जब कभी भी आपका टारगेट हिट हो, 50% हिट हो जाए तो आपका स्टॉप लॉस भी ट्रेल करके 50% पर आपको लाना है, और जब कभी मार्केट पलट जाए आपको नुकसान हो गया तो आपको दूसरा ट्रेड लेने के लिए ज्यादा मतलब प्रॉब्लम नहीं आएगी। इससे मतलब मैं आपको बहुत ही सिंपल और सीधा साधा उदाहरण दे रहा हूँ, इससे सिंपल और कोई नहीं बता सकता यहाँ पर। आप ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे मार्केट को, आप अगर ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड करोगे लॉस रिकवर करने की स्ट्रेटेजी पर, तो आप खुद मतलब खुद प्रॉब्लम आ सकते हो, इससे सिंपल आपको कोई नहीं बता सकता। ये पूरी सिंपल स्ट्रेटेजी, इसे आप फॉलो करके देखिए, आपको हो सकता है रिजल्ट ना मिले कुछ दिन, समझो हफ्ता दो हफ्ता आपको रिजल्ट ना मिले, हो सकता है आप हफ्ता दो हफ्ता लॉस में हो जाओगे, तो भी आप टेंशन मत लेना, क्योंकि आने वाले कुछ दिनों में आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, क्योंकि रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करने वाला आदमी कभी भी लॉस में नहीं जाता, वो कभी ना कभी अपना मतलब कभी ना कभी ज्यादा मतलब साल साल भर बनना है, एक दो हफ्ता आपको लॉस होगा लेकिन तीसरे चौथे हफ्ते में आप प्रॉफिट में आओगे ही आओगे। और रिस्क रिवॉर्ड रेशियो में काम करने का और एक आपको फायदा बता दूं, आपका जो यहाँ पर रिस्क है वो आपका रिस्क आपको लिमिटेड रहेगा, लिमिटेड, आप ज्यादा यहाँ पर मतलब लॉस नहीं करोगे। समझ में आया? इतनी सीधी सिंपल बात है, इतना आपको सिर्फ काम करना है। तो समझ में आ गई बात आपको क्या करना है, आपको आपको अपने लॉस को पार्ट्स में डिवाइड करना है, दूसरा स्ट्रैटेजी के ऊपर आपको ध्यान ध्यान देना है, तीसरा रिस्क एंड रिवॉर्ड रेशियो में काम करना है, और चौथा साइकोलॉजी। साइकोलॉजी साइकोलॉजी सबसे इंपॉर्टेंट है आपकी, आप अगर अपने दिमाग को इतना शांत आपको रखना पड़ेगा कि कुछ भी हो जाए आप अपने रूल्स नहीं तोड़ोगे। जब कभी भी आप अपने रूल्स तोड़ोगे, मैंने जो ये बताए हैं, आप मैं कहता हूँ कि आप गारंटी के साथ आप लॉस में जाओगे ही जाओगे। आपको ज्यादा टेंशन नहीं लेना, जितना हो सके सिंपल खेलना है, आपको लॉस रिकवर होगा ही होगा, मैं आपको गारंटी के साथ कहता हूँ। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, मैंने तो ये सिर्फ बेसिक कुछ बातें बताई है, आपको अगर इसमें कुछ एडवांस बातें आपको जाननी है तो मुझे सिर्फ कमेंट करके बताइए, मुझे लाइक कीजिए हमारे वीडियो को, शेयर कीजिए, और मुझे मेरा जो टेलीग्राम का नंबर है मैंने डिस्क्रिप्शन में दिया है, आप उस पर भी मुझे मैसेज कर सकते हो। ये सिर्फ बेसिक सी चीजें हैं, आपको अगर इसमें कुछ एडवांस बातें आपको जाननी है तो मुझे प्लीज कमेंट कर देना, मैं इस पर एक एडवांस और एक बड़ा वीडियो आपको बताऊंगा,
और पूरा ट्रेडिंग का प्लान, ट्रेडिंग का जनरल कैसा होना चाहिए, पूरा चीजें मैं आपको बताऊंगा। और आपके पास कितना कैपिटल होना चाहिए, कितने परसेंट का लॉस हो तो आपका कितना परसेंट कैपिटल चाहिए, ये भी पूरी सारी चीजें मैं आपको बताऊंगा। तो आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इस वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तब तक के लिए बाय।